Well, it's 3:43 by the studio clock. I am very happy to say this. Yes, Animesh, bolo. Yeah, बिल्कुल निलंजना बता दो कि इस वक्त बिल्कुल मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ आप सभी के लिए. इस वक्त एयरपोर्ट से हम निकल चुके हैं. लाइव ऑन द ड्राइव हमारी बातें होने वाली है नन अदर देन हम सबके फेवरेट हरिहरन सर के साथ. कोलकाता शहर में भी आ चुके हैं और उनके साथ हमारी बिल्कुल लाइव इस वक्त बातें होने वाली. एयरपोर्ट से निकल चुके हैं. हरिहरन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से 91.9 पर इंटरफेम कोलकाता शहर में. नमस्कार जी, सबको नमस्कार जो सुन रहे हैं. नए साहब की सबसे पहले सर आपको बधाई देना चाहूंगा हमारे लिसनर्स के. जी जी जी, विश यू वेरी वेरी हैप्पी 2017. और इसमें आप जरूर बहुत सारे गाने बजाने ऐसे सुने कि आपका मन खुश हो जाए और उस खुशी से आपकी जिंदगी में चार चांद लग जाए. क्या क्या बताए. पहले सर बता दो कि इस वक्त 40 लाख लोग आपको बॉक्स ऑफिस शो पे सुन रहे हैं. साथ ही साथ करोड़ों लोग इस वक्त 91.9 के फेसबुक ऑफिशियल फेसबुक पेज पे बिल्कुल लाइव इस इंटरव्यू को इस वक्त देख पा रहे हैं. सबसे पहले इस वक्त हम एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और इस वक्त होटल की ओर बढ़ रहे हैं. कुछ कहना चाहेंगे, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता आपका हमेशा से फेवरेट रहा है हम सब जानते हैं. कुछ कहना चाहेंगे सर. शहर जो है बहुत ही खूबसूरत शहर है क्योंकि इसमें बहुत सारा कल्चर है. लोग जो है वेरी कल्चर ओरिएंटेड है, स्पोर्ट्स ओरिएंटेड है, टेक्निक ओरिएंटेड है. मतलब जो जो उन्नति कलकत्ता में हम 20 साल पहले लगता था कि ब्लैक नहीं हो रहा है यहाँ कुछ, पिछले कुछ चंद सालों में इतनी खूबसूरत बन रही है यहाँ पे और खुशहाली जो है वो बढ़ रही है. मैं बहुत खुश हूँ. अरे सर, आपसे जानना चाहूँगा, कल आप परफॉर्म करने वाले हैं बेहाला क्लासिकल फेस्टिवल का हिस्सा बनने वाले हैं. बेहाला ब्लाइंड स्कूल ग्राउंड से हम बातें कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ही शानदार सी एक क्लासिकल कॉन्सर्ट जो है वो चल रही है, फेस्टिवल जो चल रही है. कल उनका आखिरी दिन आपको फेलिसिटेट भी किया जाएगा. कुछ कहना चाहेंगे सर इस परफॉर्मेंस के बारे में. जी मैं क्योंकि शास्त्रीय संगीत है तो इसमें ख्याल कहूँगा मुझे ख्याल ठुमरी का ध्यान इस तरह के प्रोग्राम अलग हटके होगा. मैं और शैली से गाता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसमें मुझे बुलाए हैं. मैं शुक्रगुजार हूँ कि इतनी बड़ी फेस्टिवल में मुझे शास्त्रीय संगीत आने की. बिल्कुल. वैसे श्याम सुंदर ज्वेलर्स लेकर आए हैं इस शानदार से बेहाला क्लासिकल फेस्टिवल को, जहाँ पे श्याम सुंदर सर्वोत्तम सम्मान जो है वो भी सर आपको दिया जाएगा. कल मिल के बड़ी खुशी की बात है और हरियन सर मैं आपको बता दूं कि सुबह से हम बातें कर रहे थे कि आपसे ज्यादा हमारी ट्रेन सफर में बिल्कुल लाइव बातें होंगी, बहुत सब से बातें होंगी. बहुत सारे सवाल आपके लिए आए हैं. ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं क्लासिकल सिंगर की पहचान क्या होती है, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए सर. क्लासिकल सिंगिंग तो एक तो बचपन से सीखना होता है, टैलेंट की जरूरत है. पहले तो अच्छे उस्ताद से आप बैठ के सुन सीखें, फिर उसे रियाज करें, फिर शायद अब क्लासिकल सिंगर बन पाएंगे. बहुत मुश्किल काम है, जिस पूरे जिंदगी के काम नहीं छोड़ दें तो इसीलिए सब गाने वाले हैं. मगर अच्छा क्लासिकल बिल्कुल गाने वाले बहुत. बिल्कुल आपने सही बात की है. मेरे दिमाग में भी सवाल आ रहा है सर, आजकल हर तरह के गाने गाए जाते हैं लेकिन क्लासिकल भी अपने पहचान हमेशा बना के रखी हुई है. कुछ कहना चाहेंगे आजकल के गानों के बारे में और सर आप. आजकल के बारे गाना जो है वो एंटरटेनमेंट है. अभी फिल्मी गाने जो हैं जिस तरह से फिल्म बनते हैं वैसे गाने बनते हैं. अभी क्लासिकल म्यूजिक एक शैली है, गजल एक शैली है, कव्वाली एक शैली है, सूफी मतलब सूफी गाना तो नहीं होता, वो सूफी जो पोइट्री गाते हैं उसका एक शैली है. तो मेरे ख्याल से जो भी गाना बजाना वो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका टैलेंट और तो जो ज़रूरतें हैं वो बहुत अलग अलग होती हैं. हाँ, बट ये सारे गाने वो बहुत बड़ी बात है. हरियाणा सर, जो लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त फ्रेंड्स सेक्शन पे, उन सभी के लिए क्या मैसेज रहेगा? 2017 का पहला कॉन्सर्ट, कोलकाता का पहला कॉन्सर्ट आज कल आप परफॉर्म करने वाले हैं बेहाला ब्लाइंड सब, उन सभी के लिए क्या रहेगा? मैं यही कहूँगा कि बेहाला कॉन्सर्ट यहाँ ओपन कर रहा हूँ. 2017 मेरे लिए भाग्य की बात है कि आ लोग आ रहे हैं और कलकत्ता इतना अच्छा मतलब शहर जो है, जो फिल्मकार हैं यहाँ के लोग बड़े बड़े उस्तादों को सुने हैं, बड़े पंडितों को सुने हैं. तो ये मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ के गा रहा हूँ. मैं
बस आपकी दुआ चाहिए कि मैं ऐसे कुछ करते रहूँ। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बातें करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। ऑल द बेस्ट इन बजे में, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल लाइव ऑन द ड्राइव हमारे साथ थे लाल तारा दैन, हम सबके फेवरेट हरियाणा जी जो इस वक्त कोलकाता शहर में है। बातें हो रही है इस वक्त श्याम सुंदर ज्वेलर्स लेकर आए हैं बिहार क्लासिकल फेस्टिवल, कल होगा चौथा दिन और हरिहरन सर वहाँ परफॉर्म करने वाले हैं जिसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बिहार सांस्कृतिक सम्मेलन। 91.9